एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। होप यू आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। तो पहले नवरात्र की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, जिसने फास्ट रखा है उसने भी और जिसने नहीं रखा है उनको भी। तो गाइज मेरा फास्ट है, मेरे पूरे फास्ट हैं और मैं उठ चुकी हूँ और बस पूजा करनी है और अभी सफाई हो रही है। तो मैं सोच रही हूँ सफाई हो जाए उसके बाद ही एक साथ पूजा कर लूँ। और गाइज मुझे लोटा चाहिए क्योंकि लास्ट टाइम मेरा शिवरात्रि पे लोटा मंदिर में ही रह गया था, तो मुझे अब लोटा चाहिए और अभी चाहिए और अभी मिल नहीं रहा, मतलब है नहीं यहाँ पे, कोई दुकान भी नहीं पता हमें तो बर्तनों की कहाँ पे है। तो बट अभी तो देखो, फिर नीचे जाएंगे तब भी लेकर आएंगे, तब पूजा वूजा कर देती हूँ। उसके बाद गाइस 11 बजे मेरे टेंट वाले, मतलब मेरे नहीं टेंट वाले भैया आ जाएंगे सारा सामान रखने के लिए, सामान रख देंगे। उसके बाद 12 ही बजे तक दीदी आ जाएंगी, कीर्तन वाली दीदी आ जाएंगी, फिर वो अपना दरबार वरबार लगाएंगी माता जी का। और अभी तो मैंने नहा के सिर्फ यही सूट पहना, नया था, मतलब अभी आया ही था कल मुझे बहुत सारे पार्सल आए थे तो उसमें से एक ये सूट था, तो मैंने यही पहन लिया अभी फिलहाल के लिए। बाकी अभी मैं आज जो मुझे पहनना है सूट, आज जो मैं पहनूंगी वो अभी आया नहीं है, मास्टर के पास से उठा के लेकर आना है टेलर के पास से। तो अभी मैं और नितेश जाएंगे, पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, उनके बाद इनको कुछ खाने के लिए दे देती हूँ। फिर बहुत सारे काम अभी पेंडिंग है, फ्रेश मालाएं आएंगी, फ्रेश फ्रूट आएंगे, मिठाई आएगी और बहुत सारा सामान आएगा अभी। तो इसलिए अभी फटाफट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे सारा सामान। गाइस पूजा चालू हो गई है, पहले नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और मतलब प्रसाद वरसाद चढ़ाए, मगर वो जोत वोत लगाई है। इसके बाद तैयारी करेंगे अपने कीर्तन की, हम नाश्ता कर लेंगे। तो कुछ तो खा सकती है वैसे, फ्रूट्स वगैरह है ना, चाय भी पी सकती है। हाँ 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 यार, लोटा ले गाना, लोटा हमारा मंदिर में रह गया था शिवरात्रि वाले दिन। हाँ। तो वो पंडित जी कह भी रहे थे कोई नहीं लेके जाएगा, आप ले जाना, पर वहाँ गए हम तो मिला ही ना भाई, कोई और ले गया होगा, चल कोई ना। एक तरीके से हमारी तरफ से मंदिर में दान चला गया वो। तो चलो भाई जब चलते हैं बाहर, छोटा मोटा सामान है वो लेके आना है, फिर मिलते हैं आपसे। पूजा वूजा हो गई है घर में, अब जा रहे हैं सामान लेने, मतलब जो रह गया है छोटा मोटा सामान जो उसी आज ही आना था, यानी कि जैसे फूल माला आनी थी, फ्रूट आने थे, मिठाई आनी थी, ये सब आज ही लाने थे। तो इसी वजह से मास्टर के पास जाना है, कुछ मैंने अपना सामान ला के परसों का वहाँ नजफगढ़ रखा हुआ घर पे, वो उठा के लाऊंगी। और तो चलते हैं अभी सामान लेने, घर में पूजा कर दी है। हाँ लोटा लेके आना है, थोड़ा बड़ा सामान लेके आना है मंदिर का भी, अब याद आया है तो वो ले आते हैं। टेंट का सामान भी आ चुका है, ये रहा पता नहीं, हम तो नीचे उतर के आए हैं बस जाने के लिए कि सामान जो बाकी है वो लेकर आएंगे। तो हमने देखा सामान रखा हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी, मतलब टेंट वाले भैया पहले ही सामान रख के चले गए। ये एक टेबल है, चेयर्स हैं, फैन है दो, और ये पर्दा है क्योंकि यहाँ कवर कराऊंगी तभी चोटली अच्छी लगेगी दरबार माता जी का। और ये देखो क्या हो गया, वेरी गुड, एक बार फिर से झाड़ू लगा के फिर तरे बिछाने पड़ेंगे। तो गाइस हमने ये वाटर कूलर लिया है घर से, ये देखो वोल्टास का, ये हम लाए थे तो अभी हमारे आज काम आएगा वहाँ पे। तो हमने घर से वाटर कूलर ले लिया है, साथ ही साथ जो मेरा सामान रखा था वो मैंने ले लिया है, पीछे डिग्गी में रखा है। और नितेश ने अपने और जतिन के लिए कचौड़ी ली है, बाकी मुझे थोड़ा बहुत सामान लेना है वो साईं बाबा मंदिर से लूँगी, फूल माला मिठाई वगैरह लेनी है, बाकी नितेश जाके स्कूटी पर खुद ले आएंगे, मैं थोड़ा घर में काम देख लूँगी। और कैसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब जब घर में फंक्शंस होते हैं तो अच्छा लगता ही है, तो मतलब जब घर में ऐसा कुछ होता है तो अच्छा लगता है, मुझे मज़ा आता है, फन होता है, बहुत ज़्यादा मस्ती होती है तो मुझे अच्छा लगता है। बट ये भी मैं पहली बार खुद से ऐसे कुछ करा रही हूँ, माता की चौकी, माता का कीर्तन जो भी है, तो उसमें भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और एक बार मेरा मन भी है, अभी मैं और नितेश प्लान करेंगे, फिर हम लोग, हमारे यहाँ साईं बाबा मंदिर है नजफगढ़ का फेमस और बहुत बड़ा साईं बाबा मंदिर है, बहुत पुराना, काफ़ी पुराना। तो एक बार हम प्लान करेंगे, मैं और नितेश अभी प्लान करेंगे, फिर उसके बाद हम भंडारा भी कराएंगे यहाँ पे साईं बाबा मंदिर पे। तो चलो फिलहाल अभी चलते हैं, नितेश थोड़ा सा सामान भूल गए हैं, उसका एक वो चौकी भूल गए हैं हलवाई की, तो वो लेने गए हैं घर पे बस। तैयारी
तैयारी करते करते हमें यही टाइम हो गया और तैयारी करवा के सारा सामान लेके मैं घर पे आ गई थी और आके ऊपर ही चढ़ी थी, तब तक दीदी लोग आ गए और यही है वो दीदी, आप लोगों ने पहचान भी लिया होगा। और ये आज हमारा कीर्तन ये वाली दीदी करेगी। मैंने स्पेशल दीदी को फोन किया शाम के लिए, मैंने कहा उनको बोला शाम जी को जरूर लेके आएंगी, मैंने कहा शाम जी के जरूर। और मैं स्पेशल सुबह इनके लिए स्पेशल अलग से मैंने बाबा की तस्वीर सच में दोबारा से बनवाई है। अच्छा थैंक यू। और साथ में दीदी भी आई है और ये आंटी, ये दीदी की मम्मा है आंटी, ये साथ रहती है दीदी के हमेशा। और दीदी भी आई है, हाय दीदी। गाइस इनको तो आप जानते होंगे, इंट्रोडक्शन के लिए जरूरत नहीं है। हाँ दो लाइट के लिए बोल दो, अंधेरा काफी लग रहा है। और ये इनकी बेटी, हाय करना बेटा। और चलो बाकी टेंट वाले भैया भी आ गए हैं, सारा सामान तो मॉर्निंग में रख गए थे लेकिन अब हम कवर करा रहे हैं क्योंकि दीदी अब अपना दरबार खुद ही लगाएंगी। अब हम हर जगह खुद लगाते हो? नहीं, जहाँ पर मैं अपना लगाती हूँ, बाकी टाइम अगर बहुत बड़ा होता है तो फिर बाहर से करवाते हैं। तो क्या हुआ, तो गाइज अभी मैं रेडी होने जा रही हूँ, तो तब तक दीदी, मतलब रीति ने बोला तब तक आप रेडी हो जाओ फटाफट, दरबार लगाने में कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा ही लगेगा। तब तक मैंने ये सारा सामान लेकर आई थी मैं, फूल माला वगैरह इसमें, और ये हमारा उसका प्रसाद है, किसका प्रसाद होता है दीदी? पंचमेवा है ये, तो मैंने खुले लिए थे, पहले तो मैं इतना सा पैकेट ले आई थी। गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ और थोड़ा ऐसे ही मेकअप करना पड़ा, मुझे जल्दबाजी है क्योंकि नितेश पीछे से नीचे से किलकिल कर रहे हैं कि तू तैयार हो रही है, मैं नीचे अकेला काम संभाल रहा हूँ जो भी है। तो आज का मेरा जो लुक है मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। आज मैंने कुछ ऐसा सूट पहना है जो कि बहुत सुंदर है, मुझे पनिश का बुटीक से रिसीव हुआ है, बाकी इंस्टा पे रील्स डालूंगी तो आप लोग देख लेना कि आईडी मेंशन है वहाँ पे। ये सूट मुझे उसी पेज से रिसीव हुआ, बहुत अच्छा है, इतना सुंदर फैब्रिक है। और इस बार मैंने अपना बैकलेस भी कुछ डिजाइन चेंज कराया, आपको दिखाऊंगी बाद में। आप लोग हमेशा कमेंट करते हो दीदी एक ही डिजाइन पहनते हो, एक डिजाइन पहनते हो, मुझे वो ही अच्छा लगता है, फेवरेट है मेरा। लेकिन अब मैंने थोड़ा सा कुछ एड ऑन कराया है तो वो मैं आपको दिखाऊंगी, बाकी मैं आपको सूट दिखाती हूँ बैक कैमरे। ड्रेसिंग टेबल अवॉइड करना, अभी मैं जब मांग भर रही थी सिंदूर तो मेरा सारा गिर गया। और तो ये मेरा सूट है आज का जो मैंने पहना है, और बहुत सुंदर है, बहुत प्रिटी है गाइज, लिटरली बहुत सुंदर है। फैब्रिक तो इतना औसम है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती, क्रेप में है फैब्रिक, बहुत अच्छा है, पूरा हैवी सूट है, आज के हिसाब के फंक्शन से मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है। बाकी मैंने कुछ ऐसा लुक किया, कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। बाकी जय माता दी सबको। अब मेरी डोरी बांध रही है और मैं आपको दिखाऊंगी, रिद्धि मेरा बैग दिखाएगी। यार सब लोग ना कमेंट करते हैं दीदी आप एक ही डिजाइन बनवाते हो, एक ही डिजाइन बनवाते हो, तो इसमें मैंने ये एड ऑन कराया, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, महंगा पहन के आऊंगी, ऐसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, मस्त। जय जय और अच्छा लगी मेरा फोटो क्या फ्रेंड का, बहुत प्यारा फैब्रिक, बहुत अच्छा है इसका, मैं आईडी मेंशन करूंगी जहां से मुझे रिसीव हुआ है। यहाँ पे हमारी जो दरबार है वो लग चुका है, दीदी पूरा अभी कर ही रही है तैयारी। ये देखो हमारे बाबा श्याम जी कितने प्यारे लग रहे हैं, दीदी ने कहा मैं आपके लिए नई तस्वीर लेकर आई थी बाबा की। और ये हमारी शेर वाली माता और बाकी सभी भगवान जी लगे हुए हैं और हमारा दरबार तैयार हो रहा है, बाकी बहुत सुंदर लग रहा है, आप लोग भी कॉमेंट करके बताना। और ये भैया हैं यहीं पर दीदी के साथ, गाने गाएंगे ये भी। और ये सागर साउंड, अच्छा सागर साउंड, जय श्री श्याम भैया। प्रोग्राम तो स्टार्ट हो चुका है, दरबार भी लग गया है, जोत लगा रही है, नितेश नहा के बस आ रहे हैं क्योंकि मैं तो सुबह ही नहा ली थी पर नितेश नहीं नहाए थे तो वो नहा के आ रहे हैं। और उसके बाद अब सब हो गया लेकिन कोई भी नहीं आया, सब लोग टाइम पे ही आएंगे। सब छोड़ो आप, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, मेरी पार्किंग माता का दरबार आप देखो, अच्छा लग रहा है ना टूटू बाहर से देखने में। और गाइस अभी सिर्फ मेरी एक ही दोस्त आई है कांशु, हाय कर। मैं कह रही हूँ अभी सिर्फ तू ही आई है, अभी तक सिर्फ यही आई है और एक दीदी और है, वो आ गए, नितेश भी आ गए हैं, तो हम पहले जोत कर लेते हैं उसके बाद। Thank you.
करूंगा। नमो नमः या देवी ज्वाला रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। मैं मेरी सचिया जो तवली माता तेरी सदा जय। बाबा क्षेत्रपाल भैरव तेरी सदा जय। पूरी सच्चे दरबार की जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। बोले गणराज महाराज की जय। और जहां जहां से जितने भगत आए हैं पाटिल पाटिल की तरफ से आप सभी भक्तों के बीच सच्चे दरबार की। और हिंदू धर्म में जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो पहले भगवान गणेश को मनाया जाता है। आइए चलते हैं गौरा के लाल। वो सच्चे दरबार की बोल गणराज महाराज जी की। आइए हम तो बालक तुम्हारे हमें राधा कब तक मैं चुरा।
तो गाइज अब इस ब्लॉग का करते हैं एंड यहीं पे, ये है पार्ट वन। और गाइज बहुत मतलब सब कुछ अच्छे से हो गया, सारे गेस्ट चले गए थे, जिनका पास था वो मैंने उनको उनके लिए जो डब्बे बनाए हुए थे वो दिए थे, और बाकी मैंने खाना सबका पैक करा दिया था क्योंकि सभी फास्ट आज पहला ही नवरात्र था तो सभी रखते हैं ऑलमोस्ट। तो बाकी जो मेंबर्स नहीं थे मतलब घर वालों के लिए मैंने जो खा प्रसाद वो बांध दिया था, दे दिया था कि चलो घर जाके खा लेना। बाकी मेरा बहुत सारा हलवा बच गया था, मैंने उसको भंडारे की तरह बांट दिया था गली में, जो भी आ जा रहा था सबके लिए कर दिया था, क्योंकि इतना हम भी रख के क्या ही करते, बहुत वेस्ट होता बहुत ज़्यादा, इससे अच्छा नीचे की नीचे मैंने बांट दिया। और गाइस बहुत अच्छे से हुआ सब कुछ, बहुत मतलब बहुत मज़ा आया, बहुत प्यारा कीर्तन हुआ था क्योंकि बहुत अच्छा गाना गाती हैं, सभी इतने खुश हो रहे थे, सबने मुझसे पूछा कि बहुत अच्छे गाने गाती हैं, बहुत अच्छे कहाँ से बुलाई ऐसे करके। तो बाकी ये मेरा फर्स्ट पार्ट है गाइस, सेकेंड पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा, तो अभी ये इतना ही। सेकेंड पार्ट आपको जो भी कंटिन्यूड होगा तो वो आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। फिलहाल आप इसी ब्लॉग को प्यार देना, लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करना। और मैं नहीं चाहती कि इसमें भी कुछ आप नेगेटिव कमेंट्स करो, जो करते हैं सभी के लिए नहीं, जो करते हैं तो प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है गलतियाँ होती हैं सबसे होती है जो भी होगी, तो इसमें कोई भी मेरे लिए बैड कमेंट्स नहीं करना ओके। तो बाय बाय, गुड नाइट, अभी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, नितेश तो सो भी गए हैं और मुझे बहुत तेज़ नींद आ गई है। फिलहाल बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।